एक बार चार मॉन्क्स ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उन्हें हर वक्त यह याद दिलाती रहे कि उन्हें बिना कुछ बोले बस ध्यान करते रहना है। इसके बाद उन मॉन्क्स ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और फिर बुझ गई। यह देखते ही पहले मॉन्क ने कहा, अरे नहीं, यह मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे मॉन्क ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ भी ना बोलने का निश्चय किया था। तीसरे मॉन्क ने कहा, तुम दोनों को बोलने की क्या जरूरत थी। चौथा मॉन्क हंसा और बोला, हा हा हा, मैं अकेला हूँ जिसने बात नहीं की। मित्रों, उन सभी के बोलने के अपने अपने अलग कारण थे, लेकिन चारों में से प्रत्येक ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही अपने विचार रख दिए। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसी आश्रम में उन चारों के अलावा एक बूढ़ा बुद्धिमान मॉन्क भी था। वह बिना कुछ बोले और उनकी तरफ ध्यान दिए बिना ही चुपचाप ध्यान करता रहा। इस तरह से उस बुद्धिमान मॉन्क ने बिना एक शब्द बोले उन चारों को ही उनकी गलती का एहसास करा दिया, जो कि वे चारों बोलकर भी नहीं कर पाए। बिना सोचे समझे और जरूरत से अधिक बोलने पर हमें खुद ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे दी गई सलाह का कोई मतलब नहीं होता और ना ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं कि हम उन्हें सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं, जबकि 99% केसेस में जब लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं तो वे हमसे कोई सॉल्यूशन सुनना नहीं चाहते, बल्कि वे तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुन ले और इससे उन्हें कुछ समय के लिए शांति महसूस होती है, क्योंकि हम उन्हें जो सलाह देंगे ये उन्हें भी पता है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए अगली बार जब कोई हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो हम उसकी बातों को केवल ध्यान से सुने, उसे सलाह देना ना शुरू कर दें जब तक कि उसने मांगी ना हो, क्योंकि सामने वाला इंसान बस हमसे इतना चाहता है कि हम उसकी बातों को ध्यान से सुने और समझें। ये बात तो आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते जाते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जो जितना बुद्धिमान होगा वह उतना ही कम बोलेगा।